तो गाइस, सभी देशवासियों को मन्नान खान का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और जोहार। जैसे कि आपने देखा, हम पहुंच चुके हैं बगराजन मोहल्ला वार्ड नंबर 7। मार्शप के यहाँ पे सर्प निकला था, जिसकी हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिली। हम एक नाग जो पकड़े हुए थे, अभी उसको फॉरेस्ट सेंचुरी में रिलीव करके और तत्काल बगराजन पहुँचे और मोहल्ले में जाकर उसको देखा, सर्प को मकान में। तो ये बहुत ही एक्टिव सांप है और ये बहुत पुराना है, 60 से 70 साल पुराना ये सर्प, और इसकी थोड़ी आयु हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, ये सर्प देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डेंजरस। लेकिन दोस्तों, ऐसे सर्प को देख के हम भी धन्य हो गए और हमारा जो सर्प पकड़ने का काम है, ऐसे सर्प हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा सर्प हमें बहुत अद्भुत देखने के लिए मिला है कि जिस सर्प ने किसी को वाइट ना किया हो और इतनी आयु का सर्प हो चुका हो। दोस्तों, इस सर्प को देखने के लिए आप लास्ट वीडियो तक बने रहें यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर मन्नान खान में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर सर्प किसी को वाइट करते हैं तो आंदन फांदन में हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। ओझा गुनिया के चक्कर में पड़ने से दोस्तों जान चली जाएगी और इंसान का कुछ नहीं होगा, केवल जिसको वाइट करेगा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों, ओझा गुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, हॉस्पिटल की सलाह देना है। और दोस्तों, ये सर्प है, जब पता कैसे चलता है दोस्तों कि सर्प ने किसी को वाइट नहीं किया? जब सर्प किसी को वाइट करता है तो दोस्तों इसकी जो पूंछ होती है ये बाड़ा हो जाता है, बाड़ा जिसको बोलते हैं पूंछ झड़ जाना। दोस्तों, ऐसे सर्प जो होते हैं वो बाड़े हो जाते हैं और ये देखिए बिल्कुल ब्लैक है, पूरा केवला के कलर का है। और दोस्तों, हिंदी भाषा में केवला कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर मन्नान खान में एक से एक सांपों के साथ में हम वीडियो लेके आते हैं, एक से एक वन्य जीवों को बचाते हैं और ऐसे वन्य जीवों को बचा के फॉरेस्ट सेंचुरियों में रिलीव करते हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार, आपका दुलार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, एक से एक वीडियो, एक से एक जानकारी हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर किसी को वाइट करते हैं जब सर्प, तो इनको एंटीविनम लगता है, तो सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर एंटीविनम उपलब्ध होता है। और जब अपन उनको एंटीविनम लग जाता है तो खतरे से इंसान बाहर हो जाता है। दोस्तों, देखें, सर्प भयभीत ना हो और सर्प किसी को वाइट करे तो भयभीत ना रहें। दोस्तों, ऐसे सर्प का नाम खराब होता है, सांप खराब नहीं होते। तो ये देखा आपने, 70 से 75 साल पुराना सर्प, मतलब 75 से 80 साल पुराना सर्प, जो सर्प किसी को बाइट न किया हो, इस सर्प ने, ऐसा सर्प देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे सर्प किसी को बाइट करते हैं तो ओझा गुनिया झाड़ा फूंकी चक्कर पड़े, वरना जान चली जाएगी, तत्काल सरकारी चिकित्सालय। इसी के चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।